नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर स्पीशियस इन न्यूज़ देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है दस पंद्रह दिन में और भी कई सारे एग्जामिनेशन का कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है तो सारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों पिछले एक साल में जितने स्पीशियस न्यूज़ में थे तो उन सारे स्पीसीस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो भी इन डिटेल में तो चार पांच पार्ट्स में मैं ये पूरा सीरीज कंप्लीट करूंगा ये पार्ट वन वीडियो है शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहला ब्लैक नेट क्रेन Crane, Tibetan Plateau के लिए है। है, सारे आप इस से रिलेट कर सकते हो मेजर विंटरिंग ब्रीडिंग ग्राउंड कहां पे दोस्तों टिबेट यूनान एंड गुजाउ चाइना एंड भूटान ठीक है स्मॉल विंटरिंग पॉपुलेशन आपको संगति एंड जिमीतंग वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेगा ब्लैक नेट क्रेन सेंट्रल है बुद्धिस्ट मिथोलॉजी एंड कल्चर के लिए इनके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल सेन में आता है ब्लैक नेक्ट क्रेन साइट हुआ था एंड लद्दाख का स्टेट बेड भी ये डिक्लेयर हुआ था वैसे इसका साइंटिफिक नाम क्या है ग्रूज निग्री कॉलेज अगला है कैसरी हिंद बटरफ्लाई कैसरी हिंद और एम्पर ऑफ इंडिया यूजुअली ट्री टॉप लेवल पर फ्लाई करता है लो वेजिटेशन पर आके बैठ भी जाते हैं दोस्तों जब अच्छा धूप हो कैसरी हिंद को बटरफ्लाई कलेक्टे अक्सर पकड़ते हैं फॉर इट्स ब्यूटी एंड रेयरिटी आप इस फोटो में देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है ये डिस्ट्रीब्यूशन देखिए स्मॉल पॉकेट्स ऑफ नेपाल भूटान अलोंग विथ ईस्टर्न हिमालयस इन इंडिया कहाँ कहां पे वेस्ट बंगाल मेघालय आसम सिक्किम मणिपुर ये सब एरिया ईस्टर्न हिमालयस आता है कंसर्वेशन स्टेटस देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ चर का रेड लिस्ट में नियर थ्रेट है डब्ल्यू 1972 साइट्स का अपेंडिक्स टू है वैसे साइट्स का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा ठीक है नाउ इसका अपेंडिक्स टू में आता है नाउ न्यूज में क्यों आया था कैसरी हिंद को स्टेट बटरफ्लाई ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिक्लेयर करने वाला है अगला है कैरकल मीडियम साइज वाइल्ड कैट है फोटो में देख सकते हो नेटिव है अफ्रीका मिडिल ईस्ट सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया के लिए इंक्लूडिंग इंडिया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कैरेकल का पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है पर एशिया में पर्टिकुलरली इंडिया में डिक्रीज हो रहा है कंजर्वेशन स्टेटस अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग है दोस्तों रेड लिस्ट में लीज कंसर्न है बाकी सब जगहों के लिए पर इंडिया के लिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड है क्योंकि पॉपुलेशन डिक्रीज हो रहा है साइट्स का अपेंडिक्स वन में है एशियन के लिए बाकी सारे अपेंडिक्स टू में है

जिस हिसाब से ये बर्ड्स को कैच करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी है दोस्तों एकदम तगड़ा जम मारता है बर्ड्स को पकड़ने के लिए आप बस कैरकल जंपिंग करके यूट्यूब में सर्च मार के देखिए आपको अलग अलग वीडियोस मिल जाएगा ठीक है इसके लिए ये काफ़ी फेमस भी है हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है देखिए इंडस वाली सिविलाइजेशन से कैरकल जैसा एक फोसिल मिला करके न्यूज़ आया था वैसे अभी न्यूज़ में क्यों आया नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कैरकल को लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज में इंक्लूड किया है अगला है द ग्रेट इंडियन बस्टार्ट ग्रेट इंडियन बस्टार्ट से रिलेटेड न्यूज अक्सर आते हैं दोस्तों एक टाइम पर ग्रेट इंडियन बस्टार्ट इंडिया का नेशनल बर्ड भी बनने वाला था पर ये जो बस्टार्ट वर्ड की वजह से ये नहीं बना क्योंकि बस्टार्ट वर्ड और एक वर्ड से मिलते हैं थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज करने से जो एक अन पार्लियामेंट्री वर्ड है इसलिए पीको को नेशनल बर्ड बना दिया था नाउ वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है दोस्तों एक बर्ड का जो वेट है पंद्रह किलो तक होता है इसका हैबिटेट देखिए ड्राई ग्रास लैंड एंड स्क्रबलैंड ऑन द इंडियन सब वैसे इंडियन सब में राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश कर्नाटका आंध्र प्रदेश में दिखता है और पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में भी दिखता है वैसे राजस्थान में एक डसर नेशनल पार्क है उधर ग्रेट इंडियन बस स्टार्ट का कंसर्वेशन होता है कंसर्वेशन स्टेटस देखिए आई का क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में है साइट्स का अपेंडिक्स वन में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन का भी शेड्यूल वन में है नाउ फूड हैबिट्स देखिए ग्रेट इंडियन बसार्ड आर ओमनीवोर्स ओमनीवोर्स मतलब क्या होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म से उन्हें ओमनीवोर्स बोलते हैं नाउ कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस लॉन्च किया था राजस्थान गवर्नमेंट इनके प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए फिर देखिए पावर लाइन पर इनके प्रोटेक्शन के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर्स इंस्टॉल किया था होता यह है दोस्तों ये जो ग्रेट इंडियन बस् इसकी वेट की वजह से ज्यादा हाइट पर यह फ्लाई नहीं करते हैं मैक्सिमम जाएगा तो दस पंद्रह मीटर उससे ऊपर ये से आगे जो पावर लेंस आता है ना दोस्तों कई सारे ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का डेथ रिपोर्ट हुआ था इसलिए उस टाइम का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ए बॉबडे साहब ने कुछ इंस्ट्रक्शन पास किए थे जितने भी हाई वोल्टेज पावर लेंस है इनके हैबिटेट में उसे अंडरग्राउंड करने के लिए पर वो फीसिबल नहीं है करके फिर अथॉरिटीज ने बोला था तो उस टाइम पर ये काफी न्यूज में आया था ठीक है नाउ न्यूज में क्यों आया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज एलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी कम अप सोसाइटीटिव फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर अब यह फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर क्या है दोस्तों पावर लाइन पर यह इंस्टॉल करता है ये बेसिकली रिफ्लेक्टर मतलब, है मतलब ग्रेट इंडियन बसार्ड जब फ्लाई करते हैं उनके आंखों में वो रिफ्लेक्टेड से लाइट आता है ताकि ये डायरेक्शन चेंज कर ले कॉलेट होकर मर ना जाए इसके लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टस इंस्टॉल किया था इसलिए न्यूज़ में भी आया था वैसे ध्यान दीजिएगा इनकी जो कंसर्वेशन स्टेटस वगैरह वैसे ग्रेट इंडियन बसार्ड्स के बारे में दो तीन वीडियोस भी अवेलेबल है चैनल में आप वो देख सकते हो अगला है वर्चर्स इन इंडिया दुनिया भर में ट्वेंटी थ्री स्पीसीज ऑफ वल्चर्स है उसमें से नाइन इंडिया में दिखता है इनके प्रिफर्ड हैबिटेट्स है डसर्ट्स सवनस एंड ग्रास लैंड्स नियर है वाटर सोर्स तो वाटर सोर्स के पास में डसर्ट्स सवनास ग्रास लैंड में ये दिखते हैं ना ओपन माउंटेन रेंजेस में भी दिखेगा अप टू थ्री थाउजेंड मीटर्स एबोव सी लेवल तो इतना एलिवेशन में भी आपको वर्चर्स का प्रेजेंस मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन देखिए दुनिया भर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों पर ऑस्ट्रेलिया में ये दिखता नहीं है मोस्ट ओशियनिक आइलैंड्स में भी नहीं है ओशियनिक आइलैंड्स मतलब देखिए ओशन में जो रिमोट आइलैंड्स वगैरह ना दोस्तों जैसे कि सोलमान आइलैंड्स किरबाती आइलैंड्स ऐसे जो ओशानिक आइलैंड्स से उधर भी ये दिखते नहीं है न्यूज़ में क्यों हुआ था नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है एक एक्शन प्लान फॉर वर्ल्चर कंजर्वेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव अप्रूव किया था नाउ कंसर्वेशन स्टेटस देखिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्चर स्पीशीज का कंसर्वेशन स्टेटस दिया हुआ है वाइट राउंड वर्ल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड डेंजर स्लेंडर बिल्ड वर्ल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वर्ल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडेड एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड इजिप्शियन एंड एंडेंजर्ड हिमालयन ग्रिफोन नियर थ्रेटन सीनरस वर्ल्चर नियर थ्रेटन बेडेड वर्ल्चर नियर थ्रेटन ग्रिफोन वर्चर लीस्ट कंसर्न देखिए सारे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है ये हिमालयन ग्रिफोन वगैरह ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स का अपन डिक्स टू में है दोस्तों वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन का शेड्यूल वन में है अगला है अफ्रीकन एलिफेंट्स लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स ऑन अर्थ है अफ्रीकन एलिफेंट्स एशियन एलिफेंट से ये बड़ा है इनको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है इनके जो कान है ईस से ये बड़ा है एशियन एलिफेंट से एशियन एलिफेंट्स का जो कान है वो स्मॉलर है एंड राउंड शेप में है इनका आप देख ही सकते हो इधर एलिफेंट्स आर मैट्रीआरकल मतलब देखिए इनका जो ग्रुप है ना इसे हमेशा एक फीमेल एलिफेंट लीड करता है ठीक है नाउ आफ्रीकन एलिफेंट्स आर की स्टोन स्पीशस क्या होता है की स्टोन स्पीशस की स्टोन स्पीशस मतलब वो स्पीशस जो एक एकोसिस्टम में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं मतलब इनका एक्सटेंशन से दूसरे स्पीशीज को भी हैवी इंपैक्ट होगा ऐसे स्पीशीज को की स्टोन स्पीशस आप बोल सकते हो इसे एकोसिस्टम इंजीनियर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये हैबिटेट को शेप करते हैं अलग अलग तरीके से रेंज देखिए अफ्रीकन एलिफेंट्स द दस ऑफ सब सहारन अफ्रीका आपको देखने को मिलेगा एंड सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका का रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिलेगा नाउ अफ्रीकन एलिफेंट्स का दो सब स्पीशीज है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा एक होता है बुश एलिफेंट या फिर अफ्रीकन सवाना एलिफेंट दे आर लार्जन एनिमल्स दैट रोम द प्लेन्स ऑफ सब सहारन अफ्रीका तो देखिए अफ्रीकन एलिफेंट्स में सबसे बड़ा है बुश एलिफेंट तो वैसे प्रिसेसली लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ क्या है अफ्रीकन एलिफेंट्स आप बोल सकते हो पर आपको बोलना चाहिए फ्रीकन बुश एलिफेंट आफ्रीकन बुश एलिफेंट का IUCN कैटेगरी एंडेंजर्ड है और आफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट से दूसरा कंपेरिटिवली ये स्मॉलर एनिमल्स है दोस्तों ये आपको सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका में देखने को मिलेगा दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो देखिए आफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आफ्रीकन सवन्ना और बुश एलिफेंट एंडेंजर्ड है न्यूज पे क्यों आया था दोस्तों आयोसियन रिसेंटली आफ्रीकन एलिफेंट्स को क्रिटिकली एंडेंजर्ड करके डिक्लेयर किया था एंड सवन्ना एलिफेंट्स को एंडेंजर्ड करके

एक है इंडियन एलिफेंट्स सुमात्रन एंड श्रीलंकन इसमें इंडियन जो है इट हैज द वाइडेस्ट रेंज एंड अकाउंट्स फॉर द मेजोरिटी ऑफ़ रिमेनिंग एलिफेंट्स ऑन द कॉन्टिनेंट तो ये जो सब स्पीशीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडियन एलिफेंट का है और इनका रेंज भी काफ़ी वाइड है मतलब काफ़ी एरियाज़ में दिखता है एलिफेंट सेंसस कंडक्ट करता है दोस्तों हर पाँच साल में एक बार अंडर द एजिस ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट लास्ट एलिफेंट सेंसस हुआ था 2017 में इंडिया में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स है कर्नाटका में इसके बाद आसाम में इसके बाद केरला में अगला है ब्लैक बक ब्लैक बक तो एक टाइम पर काफी फेमस था दोस्तों एक्चुअली मैं बोलूंगा इन फेमस था क्योंकि एक सेलिब्रिटी का नाम जुड़ा हुआ था ब्लैक बक से आप सबको पता है किसका नाम है इंडियन एंटेलॉक इज एन एंटेलॉप नेटिव टू इंडिया एंड नेपाल ये ग्रासी प्लेन्स को इन्हैबिट करते हैं लाइटली फॉरेस्टेड एरियाज को भी इन्हैबिट करते हैं विथ पेरनियल वाटर सोर्सेज इन्हें वाटर सोर्सेज की जरूरत है दोस्तों वहीं ब्लैकबक या इंडियन एंटेलॉग आपको देखने को मिलेगा इंडिया में राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश तमिलनाडु ओडिशा एंड अदर एरिया थ्रूट प्रिंसलर इंडिया में आपको देखने को मिलेगा नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता तो देखिए फास्टेस्ट एनिमल चीता है ये आप सबको मालूम है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों ब्लैक का स्टेट एनिमल ऑफ पंजाब हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश है ब्लैकबर्ग कंसर्वेशन स्टेटस देखिए आई यूसी में लीज कंसर्न है कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों पॉपुलेशन एकदम कड़क है

इट इज फाउंड इन ड्राई स्क्रब्स एंड ग्रासलैंड्स एंड द ओनली एक्सेप्शन बीइंग डेसर्ट्स एंड द मैंग्रूव्स ऑफ सुंदरबंस तो आपको डसर्ट्स में नहीं मिलेगा एंड मैंग्रोव्स ऑफ सुंदरबंस में आपको लेपर्ड देखने को नहीं मिलेगा बाकी सारे फॉरेस्ट में आपको लेपर्ड मिलेगा ठीक है as फॉर रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट नंबर ऑफ 8071 थाउजेंड आर फाउंड इन सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न गड्स तो सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न गड्स में लेपर्ड्स का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उ स्टेट में देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा लपर्ड आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन फिर कर्नाटका फिर महाराष्ट्र कंसर्वेशन स्टेटस देखिए आई लिस्ट में है साइट्स का अपेंडिक्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ नाइनटीन सेवन टू का शेड्यूल वन न्यूज में क्यों आया था दोस्तों स्टेटस ऑफ लपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज हुआ था या अभी नहीं काफी पेर रिलीज हुआ था तो ध्यान दीजिएगा इंडियन लपर्ड पर रिसेंटली मतलब टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में एक न्यूज निकल के आया था कि लेपर्ड्स का जो पॉपुलेशन है वो 63 परसेंट इंक्रीज हुआ है कर ठीक है तो अक्सर न्यूज में आता रहता है ध्यान दीजिएगा इंडियन फाइनल स्पीशीज स्नो अपर्ड स्नो अपर्ड को गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोलते हैं दोस्तों इट इज बोथ ए बहुत स्पीशीज एंड इंडिकेटर स्पीशीज अब ये कीस्टोन स्पीशीज क्या है मैंने आपको पहले बता दिया इंडिकेटर स्पीशीज क्या है देखिए कुछ स्पीशीज का प्रेजेंस होने से हमें पता चलेगा उस हैबिटेट का जो हेल्थ है वो सही है इंटैक्ट है फॉर एग्जाम्पल देखिए गैंगेटिक रिवर डोल्फिन अब गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन गंगा नदी में अगर है तो इसका मतलब यह है गंगा नदी का जो पानी है वो साफ़ है क्योंकि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन हमेशा साफ पानी में ही रहता है तो ये एक हेल्थ इंडिकेटर है इस तरह कई सारे स्पीशीज है दुनिया भर में तो ये जो स्नो लपर्ड है ये भी एक टाइप का इंडिकेटर स्पीशीज है इसका हैबिटेट देखिए एल्पेन एंड सब एल्पेन सोन्स एट एलिवेशन फ्रॉम थ्री थाउजेंड टू फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर ओबीसी बातें दोस्तों जहाँ पे स्नो है उधर ही आपको दिखेगा स्नो लपर्ड रेस देखिए वेस्टर्न हिमालयस एंड ईस्टर्न हिमालयस वेस्टर्न हिमालयस में जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड एंड ईस्टर्न हिमालय में सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्नो लपर्ड को फ्लैगशिप स्पीशीज फॉर द हाई आल्टीट्यूड हिमालयन एकोसिस्टम आइडेंटिफाई किया था और स्पीशियस रिकवरी प्रोग्राम में भी स्नो लपर्ड को इंक्लूड किया हुआ है नाउ कंजर्वेशन स्टेटस देखिए आईयूसीएन रेड लिस्ट में है साइट्स वर्ल्डिक्स वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल वन में आता है नाउ इनको कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लपर्ड लॉन्च किया था टू में फिर ये न्यूज में क्यों आया था देखिए ये न्यू रिपोर्ट ऑन स्नो लेपर्ड सेवेंटी परसेंट ऑफ द स्पीशीज एंड हैबिटेट इज स्टिल अनएक्सप्लोर्ड बाई रिसर्चेस आप देखिए दोस्तों जो स्नो लेपर्ड है ये काफी एलिवेशन में रहते हैं और स्नो बिट एरियाज में रहते हैं नाउ इनको आइडेंटिफाई करना या फिर जाके एक्सप्लोर करना इतना पॉसिबल नहीं है अब इन ये कहाँ कहाँ रहते हैं बेसिकली इनकी हैबिटेट मैंने अभी बोला आपको वेस्टर्न हिमालयस में है और ईस्टर्न हिमालयस में है अब और भी कई जगहों में हो सकता है पर इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाया इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाया ठीक है तो इसलिए न्यूज़ में आया था तो ध्यान दीजिएगा स्नो लपर्ड तो दोस्तों दैट्स इट ये पार्ट वन वीडियो था चार पार्ट्स में ये पूरा सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा शॉर्टली मैं पार्ट टू पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर भी अपलोड करूंगा आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपका कुछ यूज़ हो रहा होगा लेक्चर की पीडीएफ डी एफ एज आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है